प्रणाम सभी दोस्तों को। दोस्तों आज डे फोर वर्कआउट की शुरुआत करते हैं। आज की हम शुरुआत करेंगे वस्त्रिका प्राणायाम से। वस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। इसको दोस्तों आप तीनों गति से कर सकते हो। आप इसको आराम से भी कर सकते हो, मीडियम से भी कर सकते हो और फास्ट भी कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत फास्ट करने लग जाता है दोस्तों। जब आप इस स्टेज पर पहुँच जाते हो ना, जब बहुत ही पावरफुल बन जाता है, किसी को भी सेक्सुअल थॉट आते हो, सेक्सुअल एनर्जी बहुत परेशान करती हो, मन बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, इधर उधर बहुत भागता हो दोस्तों, उसको वस्त्रिका प्राणायाम पे पकड़ बनानी चाहिए। इससे ज़्यादा पावरफुल और कोई प्राणायाम नहीं है अगर जिसको मन पे कंट्रोल करना है। तो शुरुआत करते हैं वस्त्रिका प्राणायाम से। रुकना नहीं होता दोस्तों। मान लो आप प्राणायाम से थक गए, वस्त्रिका प्राणायाम से अगला प्राणायाम शुरू कर दीजिए। इस तरीके से धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मेरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है दोस्तों हर तरीके के प्राणायाम की, इससे मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब दोस्तों वर्कआउट के लिए थोड़ी सी अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों पुशअप से हम अपने वर्कआउट की शुरुआत करेंगे। अलग अलग तरीके से पुशअप करेंगे। वर्कआउट करने के बाद दोस्तों मैंने बहुत देर तक वस्त्रिका प्राणायाम किया। ये वस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों बहुत ही पावर से मैं करता हूँ और मेरे को ये बहुत ही फेवरेट लगता है। इससे बिल्कुल मन शांत हो जाता है। दोस्तों आज का वर्कआउट बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। बहुत से भाई लोग हैं जो हमेशा से मेरे लाइव स्ट्रीम में आते रहते हैं। दोस्तों मैं पहले सुबह 4 या 5 बजे लाइव स्ट्रीम करता था, बहुत बार मैं 4 बजे लाइव स्ट्रीम करता था, बहुत भाई लोग उसमें जुड़ते थे। अभी बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते रहते मेरे पास, आप दोबारा से वही लाइव स्ट्रीम शुरू करिए, आप सुबह 4 बजे या फिर 5 बजे लाइव आइए ताकि हम सब मिलकर प्राणायाम कर सके, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। तो दोस्तों जो मित्र चाहते हैं कि हम सुबह एक साथ मिलकर वर्कआउट करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, मैं सुबह लाइव आऊँ और आप लोगों को मोटिवेशन देता रहूँ, दोस्तों वो जरूर बताना जो जो चाहते हैं कि सुबह हम लाइव स्ट्रीम फिर से शुरू करें। और दोस्तों हमारा डे 4 कंप्लीट हो चुका है। धीमे धीमे दोस्तों चैन बन चुकी है। जो मित्र डेडिकेशन से इसमें जुटे हुए हैं वो इस चीज़ की महत्वता को समझते होंगे। जैसे जैसे दोस्तों आपकी चैन बनती रहेगी, वैसे वैसे आपका मन और स्ट्रांग होता रहेगा। फिर दोस्तों ऐसी मोटिवेशन भी इतना आएगी कि मन कहेगा कुछ भी हो जाए मैं चैन ये नहीं टूटने दूंगा। देखिए दोस्तों अगर जिंदगी महान बनना चाहते हो ना तो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सही दिशा देना सीखो। दोस्तों वर्कआउट प्राणायाम मेडिटेशन आपकी सेक्सुअल एनर्जी को सही दिशा देता है। दोस्तों इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ, जो मित्र इस मिशन में मेरे साथ डटे रहेंगे ना दोस्तों उनके जीवन में महानता आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों मैं मन को समझता हूँ, मैं जो भी करता हूँ मन की गहराइयों को समझ के करता हूँ। तो दोस्तों इस मिशन में डटे रहिए।